नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के साथ ही महागठबंधन की तरफ से 30 जनवरी को बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर जेडीयू ने मॉर्निंग अटैक किया है। जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हुए कहा कि तेजस्वी मानव श्रृंखला के जरिए राजनीतिक शगुफा अपना रहे हैं। जेडीयू ने महागठबंधन की मानव श्रृंखला को गैर सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रपंच बताया है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि बेऊर से तिहाड़ के न्यायिक प्रवास पर चल रहे आरजेडी के रत्नों में से उन्होंने मानव श्रृंखला बनाने के लिए किन किन को जिम्मेदारी दी है, इसके बारे में बताना चाहिए। इतना ही नहीं, जेडीयू ने यह भी पूछा है कि जेल में मानव श्रृंखला बनाने का दारोमदार किसके ऊपर होगा, ये भी जनता जानना चाहेगी। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के कुछ राजनीतिक सलाहकार कैदखाने में हैं। मानव श्रृंखला बनाना है तो क्या उनका समर्थन लिया है या नहीं, इस बारे में भी बिहार की जनता को बताना चाहिए। उधर जेडीयू के हमले से इतर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक शुरू होगी, जिसमें मानव श्रृंखला अभियान की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता लालू यादव को छोड़कर मानव श्रृंखला कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे हैं। तेजस्वी ने पटना पहुंचते ही कहा था कि किसानों के आंदोलन के साथ उनकी पार्टी मजबूती से खड़ी है और महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाने का फैसला किया है, तो इसमें भारी जन समर्थन भी देखने को मिलेगा।